स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का लेसन थर्ड इंग्लिश का रीड करेंगे, जिसका नाम है द माइट ऑफ एजुकेशन। ये पोयम दी गई है। इस पोयम में हमको क्या दिया गया है, द माइट ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है जो शिक्षा की शक्ति होती है, जो पावर होता है एजुकेशन का, वो आपको इस पोयम में दिया गया है। तो देखिए, इस पोयम में आपको बताया गया है कि जो आने वाला समय है वो कैसा है, बहुत बदलाव का समय है। उसमें किसकी वैल्यू, जो देखिए पहले तलवार की वैल्यू ज्यादा होती थी, जो तलवार चलाने जाता था राजा महाराजाओं के समय में वो ज्यादा पूछा जाता था, वो ज्यादा ताकतवर कहलाता था। लेकिन अब समय चेंज हो गया है, अब समय राजा महाराजाओं का नहीं है, अब समय किसका है, जो पढ़ लिख कर महान बन जाता है उसका समय है अब। तो ये समय आने वाला है और इसी को लेकर ये पोयम दी गई है। तो अब इस समय में किस चीज की जरूरत रहेगी, पेन की जरूरत ज्यादा रहेगी, पेन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, किसकी कंपैरिजन में, एक तलवार के कंपैरिजन में। और जो राजा महाराजाओं के समय जो ऐसा होता था कि ये राजा है, राजा का बेटा रूल करेगा, फिर उसका बेटा रूल करेगा, तो अब ये समय नहीं रहा है। अब जो ज्यादा शिक्षित रहेगा वही ज्यादा पूछा जाएगा और उसकी ही वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसके ही खानदान से सब पूछे जाएंगे और उसके ही परिचित सब पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो एजुकेशन की शिक्षा, जो ज्यादा शिक्षित है वही पूछा जाएगा अब आगे के समय में। तो ये अच्छा समय आने वाला है कि अब एक शिक्षित व्यक्ति पूछा जाएगा। तो इसको हमने आपको यही दिया है कि यही एजुकेशन का पावर है। अगर आप पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, और अगर नहीं रहेंगे तो आपकी वैल्यू आने वाले समय में नहीं रहेगी, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो इस पोयम के माध्यम से जो पोएट है उन्होंने यही बताया है कि जो पावर, एजुकेशन की पावर है वो कितनी ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से आपको शिक्षित होना है, ताकि जो आने वाला समय है उसमें आपको आपकी वैल्यू रहे और आपको पूछा जाए। और जो आपके पेन की वैल्यू है वो उसी से रहेगी, अगर आप पढ़ना लिखना जानेंगे तो आपके पेन की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। आपके आप टोटली पोयम बेस्ड उसी पर है कि आपको कितना नॉलेज है किस चीज के बारे में, आगे चलकर आपको यही बताया जाएगा, यही पूछा जाएगा आपसे। तो इस पोयम में आपको यही दिया है, आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पूछ लेंगे, और इसके वर्ड मीनिंग्स आपको अंडरलाइन करके और इसको फाइंड आउट करने। और ये देखिए, ये नेक्स्ट पेज पर जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें राइट 8 लाइन्स ऑफ द पोयम। ये इसमें क्या करना है, जो 8 लाइन्स दी हुई है, ये जो पूरी पोयम दी हुई है इसकी 8 लाइन्स आपको काउंट करके यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको राइट करना है, ओके। तो ये सभी आप लोग राइट करेंगे और बाकी की एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे, तो वो आपको अच्छे से देखनी है, अच्छे से रीड करनी है, और आपको सब अच्छे से रिवाइज करना है और एक बार इसको रीडिंग अच्छे से करनी है, ओके।